नमस्कार, हाजिर हम सीधी बात के कार्यक्रम में। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ एक नया शख्स और यह शख्स उस तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से इस समय चिकित्सक जीवन में देखने को नहीं मिलता है, खासकर भारतीय पद्धति में। बहुत मुश्किल में अगर आप ढूंढेंगे इस समय के समावेश में, इस तरह के इस समय के वातावरण में, तो आपको ऐसा चिकित्सक ढूंढने पर ही मिलेगा जो चिकित्सक के साथ साथ परिपक्व समाज सेवी भी हो, जिसने समाज के उन लोगों के लिए काम करना शुरू किया था जो दबे थे और उनको उनको कहीं ना कहीं इलाज में समस्याएं आ रही थी, लेकिन उनके लिए भी यह व्यक्ति समाज सेवी के रूप में आगे आया और उन्होंने काम किया। मशहूर डॉक्टर हैं मीरा भाईंदर के, आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर चरण जाधव। एक ऐसा व्यक्ति जो गरीबी से उठकर यहाँ तक का उसने सफ़र तय किया और उसने एक समय सोचा था कि मैं डॉक्टर बनकर उन लोगों का इलाज जरूर करूँगा जो अपना इलाज कराने में बड़ी बड़ी जगह नहीं जा पाते, अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। आज समाज सेवी भी हैं लेकिन परिपक्व डॉक्टर भी हैं। एक ऐसा नाम जिसने ऑर्थोपेडिक क्षेत्र में अपने आप को विराजित इस तरह किया है जिसको कहते हैं कि मशहूर डॉक्टर। हम बातचीत करेंगे इनकी मशहूरता पर भी, हम बातचीत करेंगे इन्होंने आखिर समाज सेवा क्यों अपना ली, इस समय का वातावरण बहुत अजीब है डॉक्टर के साथ में, लगातार उन पर आरोप और कई सारे सवाल उठते हैं, उस बीच आज तक डॉक्टर चरण जाधव पर सवाल क्यों नहीं उठा, इन सब पर भी हम सवाल करेंगे। इस शख्सियत से मिलने से पहले उसके इस व्यक्ति की पूरी जीवन गाथा पर बना ये छोटा सा क्लिप देख लीजिए। इस क्लिप में आप इस व्यक्ति के जलगांव से लेकर यहाँ तक की यात्रा को जान जाएंगे और आखिर जानेंगे कि आखिर डॉक्टर चरण जाधव है क्या चीज। इस छोटे से क्लिप में देखिए, फिर मिलते हैं सीधी बात के कार्यक्रम में, बस मेरे साथ थोड़ी देर में। जलगांव तहसील था और गांव था बसंत नगर, एक ऐसा गांव जो काफी पिछड़ा और काफी पीछे था आधुनिकता से, भौतिकवाद से, और इस भौतिकवाद से दूर बैठे इस गांव में एक युवक था जो पढ़ रहा था बचपन में अपने सपनों को सजोकर। वहां बिजली नहीं थी, वहां पर था तो सिर्फ मिट्टी का दिया और मिट्टी के दिए की रोशनी में अपने जीवन को, अपने भविष्य को रोशन करने का विचार इसके मन में यह संकल्प था। और जलगांव तहसील के बसंत नगर गांव से निकलकर आज महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर में अपना नाम रोशन करने वाला डॉक्टर चरण जाधव है। आर्थोपेडिक क्षेत्र में जिस प्रकार से अपना पैड बनाया और जिस प्रकार से आर्थोपेडिक सर्जन के रूप में अपने आप को स्थापित कर दिया है डॉक्टर चरण जाधव ने, आज शायद ही ऐसा कोई विशेषज्ञ आपको प्राप्त होगा इस क्षेत्र में, खासकर मीरा भाईंदर में। एक मशहूर डॉक्टर तो बन गए लेकिन इस डॉक्टर की एक कहानी जान लीजिए, संघर्ष काफी गहरा है, काफी गहरा है वो समाज सेवा का क्षेत्र जिसमें आज अपने आप को लीन करके सामाजिकता में और लोगों के बीच में अपने आप को विराजित रख रहे हैं। फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगवाना, लोगों को कपड़े बांटना, किताबें बांटना, फल बांटना, ऐसे लोगों का इलाज करना जो अपने आप को धन से विहीन मानते हैं और धन उनके पास बहुत कम है, और जब इलाज करते हैं तो उसी प्रकार से इलाज करते हैं जैसे कोई धनवान व्यक्ति उनके पास आता है और वैसे ही कोई गरीब, और जो गरीब से गरीब है उसका भी। कई जगह ऐसी धर्मशालाओं पर इलाज देते हैं मुफ्त में जहां पर लोगों के पास कोई पैसा नहीं है, है तो बस धर्मशाला, वहां भी जाकर ये डॉक्टर चरण जाधव अपनी समाज सेवा की छवि बिखेर रहे हैं। लगातार जनता के बीच में काम, लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में काम, लगातार चिकित्सक क्षेत्र में परिपक्वतापूर्ण काम। आज हम इसी भी बात कार्यक्रम में आज हम मुलाकात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति से जिसने इन सब चीजों को झेला, समझा और समाज सेवा के क्षेत्र में चिकित्सक के रूप में आज अपने आप को बढ़ा दिया। जहां पूरे देश में चिकित्सा व्यापार बन चुका है, वहां चरण जाधव एक समाज सेवी बनकर उभरे हैं, चिकित्सक समाज सेवी। आइए मुलाकात करते हैं सीधी बात के इस कार्यक्रम में। नमस्कार, हाजिर हम सीधी बात के कार्यक्रम में। आपने इससे पहले इस समय डॉक्टर चरण जाधव का आपने एक छोटा सा क्लिप देखा, उस क्लिप में आप समझ चुके होंगे कि आखिर ये किसान का बेटा किस प्रकार से डॉक्टर बना और अब तक इनके सफर में कितनी समाज सेविता रही। लेकिन आइए हम उसके जीवन पर सीधे बातचीत करते हैं डॉक्टर चरण जाधव जी से। आइए जी, नमस्कार। नमस्कार। होता क्या है कि अक्सर कई सारे हमारे पास ट्वेल्थ के बाद में लाइन हम लोग चूज़ करते हैं कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कई लोग आईआईटी कर लेते हैं, आपने एमबीबीएस किया। आखिर डॉक्टर बनने की ललक, ये इच्छा क्यों पैदा हुई, कि इसलिए कि डॉक्टर बन जाएं और बिजनेस के क्षेत्र में जाकर एक बिजनेस करने के लिए, क्योंकि तो डॉक्टर का क्षेत्र इसमें बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, बहुत लोग करते हैं, प्रदेश में है, पूरे विश्व में। आप जब आए तो आपके अंदर की इच्छा क्या थी, डॉक्टर क्यों बनने का सोचा आपने? इस बात से ज़्यादा स्पष्टीकरण देने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर क्यों बना। एक
हिंदी गीत है, सागर सावन देता है मधुबन खुशबू देता है, जीवन उसी को कहते हैं जो औरों को जीवन देता है। तो ये भावना मेरे मन में थी कि अगर दूसरे को किसी को जीवन दे सकूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इस भावना से मैं इस पेशा में आया। मैं चाहे तो डॉक्टर इंजीनियर बन सकता था, मैं पॉलिटिक्स में जा सकता था, मैं कोई और भी कार्य में गवर्नमेंट सर्विस में कर सकता था, लेकिन इसके दौरान मैं किसी को जीवन नहीं दे सकता था। आज मैं इस पेशा में आने के बाद मैं इतना सफलता महसूस कर रहा हूँ, इतना सेटिस्फेक्शन महसूस कर रहा हूँ ताकि मैं किसी और को जीवन दे रहा हूँ। अच्छी बात है। अच्छा, ये इस क्षेत्र में कई सारे लाइन होते हैं, कई लोग सर्जन बन जाते हैं, आप ऑर्थोपेडिक बन, कई लोग अलग अलग क्षेत्र होते हैं, अलग अलग फिजिशियन बन सकते हैं, आपने इस ऑर्थोपेडिक क्यों सोचा, इसी लाइन में क्यों? डॉक्टर बनते बनते एक भावना मन में थी कि जब तक मैं सर्जन नहीं बनूं, क्योंकि मेरा एक स्वभाव है कि प्रैक्टिकल चीज करनी चाहिए, थेराटिकल नहीं, प्रैक्टिकली। तो सर्जरी फील्ड ऐसी है जहाँ पे प्रैक्टिकली की जाती, प्रैक्टिकली सब चीजें ऑपरेशन करके उसको ठीक करना, ये करना, उसमें और भी सुपीरियरिटी है ऑर्थोपेडिक फैकल्टी में। इसमें इमरजेंसी आते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, एक्सीडेंट पेशेंट आते हैं जिनको तुरंत ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, तुरंत उनको सर्जरी करके उनको अच्छे से जीवनदान दे सकते हैं। तो इसी कारण से मैंने एक सर्जरी फील्ड लिया और उसमें ऑर्थोपेडिक फील्ड लिया कि ताकि मैं इंस्टेंटली किसी और की और एक्सीडेंट की और इमरजेंसी सेवा लोगों को कर सकूँ। होता क्या है कि जिस क्षेत्र से आप आते हैं, जलगांव हम लोग गए हैं काफी बार कवरेज के लिए भी गए, उसके बसंत जो गांव आता है बसंत नगर, बहुत अलग है और बहुत पिछड़ा भी कह सकते हैं हम लोग। तो वहां से उठकर फिर यहां पर मुंबई आकर फिर मीरा भाईंदर ऐसे प्रोमिनेंट जगह पर बैठकर आप जो डॉक्टर पेशा कर रहे हैं, क्या वहां से जब आप निकले गांव के क्षेत्र में तो कैसा लगा और क्या सोचा आपने कि गांव से निकलकर यहां तक थोड़ा सफर गिना दीजिए कि क्या संघर्ष रहा, क्या देखना पड़ा, पिता ने कभी का डांट लगाई, क्या माँ ने कभी कुछ कहा कि बेटा नहीं हो पाएगा, थोड़ा संघर्ष बता दीजिए। ये ऐसा रहा कि जो मेरी पढ़ाई थी, एक जैसे कहा कि अपने बसंत नगर करके एक छोटा सा गांव है, देहात है, और उन जमाने में जब मैं वहां पढ़ाई करता था तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, दो दिया होता है जो मिट्टी का तेल का दिया लगा के उसमें हम लोग पढ़ा करते थे। एक तीसरी कक्षा तक सिर्फ स्कूल थी मेरे गांव में बसंत नगर में, उसके बाद में स्कूल का पढ़ाई नहीं था। तो फिर अभी चौथी कक्षा से आगे पढ़ाई करना है तो मेरे गांव से एक 5 किलोमीटर दूर पे थोड़ा सा बड़ा गांव है जहाँ मुक्ति करके नाम है, वहाँ पे एक हाई स्कूल थी, तो वहाँ हाई स्कूल में एडमिशन लेके फिर पैदल जाना पड़ता था क्योंकि मिट्टी का कच्चा रास्ता था, कोई व्हीकल्स नहीं जाते थे, कुछ नहीं थे। तो गांव में से हम लोग 3-4 बच्चों ने एक ऐसी डेयरिंग की कि चलो हम लोग शिक्षा लेने के लिए थोड़ी शहर के इसमें जाएंगे, चल के जाएंगे। उससे पहले वो गांव से आगे पढ़ाई करने के लिए किसी ने कुछ डेयरिंग नहीं की थी। फिर मेरे साथियों के साथ में हम लोगों ने वो मुक्ति गांव में छत्रपति शिवाजी हाई स्कूल करके वहाँ पे एडमिशन ली 4th क्लास में, और वहाँ से हम लोग रोज 5 किलोमीटर सुबह चल के, 7:20 की मेरी स्कूल हुआ करती थी, तो सुबह उठ के ठंड में झाड़ में 6 बजे हमको वहाँ से निकलना पड़ता था पैदल चल के, और पैदल चल के हम लोग स्कूल में आते थे। स्कूल में आते समय पहले 2 साल में हम वहाँ पे बड़े लोग खाली चप्पल पहनते थे, बच्चों को चप्पल मिलती भी नहीं थी। तो कहीं पहले 4th क्लास 5th क्लास में हम लोग गांव से, तो वो स्कूल तक आने के लिए चप्पल भी हमारे पैर में नहीं रहती थी, कभी चप्पल मिल गई, साल में एक जोड़ी चप्पल होती थी, अगर वो 6 महीने में टूट गई तो उसके बाद में फिर पुनः चप्पल नहीं मिलती थी। तो बिना चप्पल के आना, ठंड में आना, वो गांव में हम लोग सफ़र करके वहाँ तक मैं 10वीं तक की पढ़ाई पूरी करी। पढ़ाई करते समय जैसे ही मैं स्कूल में गया तो लर्निंग में, स्टडी में थोड़ी होशियारी अच्छी थी, बच्चों में अच्छे मार्क्स मिला, अच्छे नंबर्स मिलाना, अच्छे मार्क्स से पास आना, स्कूल में फर्स्ट आने लगा। फिर स्कूल के जो टीचर थे वो भी धीरे धीरे उन्होंने मुझे प्रेरित करते गए कि चलो आपको अच्छा पढ़ रहे हैं, आप आगे जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, प्रेरणा मिलती रही। वहाँ पढ़ता रहा, 10th क्लास में मैं हमारे स्कूल में पहले नंबर पर आया। फिर वहाँ से उस ज़माने में मेरे बड़े भाई साहब थे, वो बॉम्बे में गोल्डन केमिकल करके कंपनी है थी यहाँ पे दहिसर चेकना के पे जवाहर जाधव करके, वो वहाँ पे जॉब करने आए थे और वो जॉब करते थे। तो उन्होंने मुझे आग्रह किया कि अगर 10th आप पास हो गए तो चलो 11वें में आप बॉम्बे लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपकी पढ़ाई करवाता हूँ। फिर वो मेरे स्कूल में आए, निजी स्कूल में, वहाँ पे शिक्षकों से मिला
तो टीचर लोग कहने लगे कि नहीं अच्छा होशियार बच्चा है, आप उसको बम्बई लेके जाइए और 11वीं क्लास में वहाँ पर एडमिशन करा दीजिए तो अच्छे पढ़ेंगे। वो मेरा 84 में पहला सफ़र था बम्बई आने का, बस से आया मैं बॉम्बे, बारिश थी, एडमिशन सारे स्कूल के फुल हो गए थे, कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिले थे, 11वीं पास होके 10वीं पास होके यहाँ पे आया मैं। फिर भाई साहब के कोई पहचान के थे ट्रस्टी वैसा ऐसा करके आया हुआ कॉलेज इस्माइल यूसुफ कॉलेज जोगेश्वरी में मैं गया और बड़ी दिक्कत से मुझे वहाँ पे 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन मिल गया। वहाँ पे हॉस्टल में रहता था, हॉस्टल में वहाँ से मैं 12वीं अच्छे मार्क्स से पास किया। तो उन जमाने में 12वीं के मार्क्स से एडमिशन मिलते थे MBBS के, अभी तो MACT नीट SSA एग्जाम्स हो गए, लेकिन उस टाइम पे अच्छे मार्क्स मिले मुझे और GS मेडिकल कॉलेज KM हॉस्पिटल में मुझे वहाँ पे MBBS को एडमिशन मिल गया। हॉस्टल में रहना, मेस में खाना पड़ता था, उन दिन ज़्यादा पढ़ाई का खर्चा नहीं था, गवर्नमेंट की भी हेल्प होती थी, बाकी भाई साहब की भी थोड़ी हेल्प होती थी, ऐसा करके मैंने पूरा MBBS का शिक्षण हासिल कर लिया। यहाँ DA में पढ़ने वाला लड़का हमारे सामने बैठा है आज, आप सफ़र आपका काफ़ी लंबा तय होगा, लेकिन यहाँ पर एक सवाल बनता है, क्या आपने भी कहा कि पहले के ज़माने में 12th के पास बाद में ही आप MBBS के लिए तैयारी कर सकते, अब तो खैर बहुत सारी ऑप्शन, तो पहले की पढ़ाई में और अब की पढ़ाई में और पहले की स्ट्रगल में, पढ़ाई में हमेशा पहले के टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि लोग बहुत मेहनत करते थे और प्रैक्टिकली पढ़ाई करते थे, अब पढ़ाई थोड़ा अजीब टाइप की अलग टाइप की हो गई, क्या आपको पहले के और अब में क्या अंतर नज़र आता है और पहले की पढ़ाई में आपको क्या लगता है कि नहीं वो अलग था? दीक्षित जी, पढ़ाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ये कि आज के जनरेशन को पढ़ाई कैसी होती थी और हमारे जन्म में पढ़ाई कैसी होती थी, कौन सी पढ़ाई अच्छी होती थी, कौन सी डिफिकल्ट होती थी। वो टाइम पे पढ़ाई वही थी, आज भी पढ़ाई वही है, लेकिन वहाँ वो टाइम पे सुविधाएं नहीं थी। एक क्वेश्चन का अगर आंसर ढूंढना है तो लाइब्रेरी में जाके वो बुक निकालो, ढूंढो या किसे नोट्स लो। आज इंटरनेट का ज़माना, ऑनलाइन सब सुविधाएं अवेलेबल है, कंप्यूटर्स है, AC रूम्स है, AC पढ़ने के लिए है, पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट है, पेरेंट्स ज़्यादा काम कर देते हैं। हम लोग के ज़माने में पेरेंट्स को पता भी नहीं था कि कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़े, क्या होता है। जब मैं फर्स्ट MBBS पास हुआ तो गाँव में फ़ोन लगाया पिताजी को, एक किस्सा बता रहा हूँ, जब ये ट्रंक कॉल बुक किया करते थे, डायरेक्ट फोन नहीं लगता था, फिर मेरे गांव में एक पोस्ट ऑफिस है, वहां पे एक फोन होता, हाँ, तो मैं पोस्ट ऑफिस पे फोन किया कि पिताजी से बात करनी है, मैं चरण बोल रहा हूँ, तो वो बोले ठीक है, एक घंटे के बाद फोन करो, पिताजी को बुला के रखा था। फिर एक घंटे तक वहां बैठे रहे, फिर पिताजी आए तो भी अंधेरा हो गया था, रहा तो कुछ लकड़ी हाथ में लेके दो चार लोगों के आके बैठे, फिर मेरा फोन आया तो मैं पिताजी को बोला कि मैं फर्स्ट MBBS बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होती है और वो पहला पास होना बहुत जरूरी था, पहला पढ़ाव रहता हूँ, तो मैं मेरा फर्स्ट MBBS पास हो गया पिताजी, तो सामने से आंसर ऐसा मिला रहेगा तो आप कोताजुब हो जाएगा जी। तो फिर क्या हुआ? तो उनका कहने का मतलब है कि वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, तो यहाँ तो लोग पेड़े बांट रहे थे, पार्टियां हो रही थी, बेटा फर्स्ट MBBS पास हो गया था, मैं वो खुशी के मारे उनको बोलने गया तो उनका रिएक्शन था, तो फिर क्या हुआ? तो ऐसा एक सफर था, तो फिर MBBS पढ़ाई हो गई अच्छी तरह से, उसके बाद में क्या लगता है उस तरह की पढ़ाई, पढ़ाई उनमें है लेकिन उनसे पढ़ाई करवानी पड़ती, खुद नहीं करते। हमारे ज़माने में ऐसा था कि खुद मोटिवेटेड थे, खुद को करना था, कोई सपोर्ट नहीं था, कोई ये नहीं थी, जो भी करना है खुद को करना। अभी ऐसा नहीं है, अभी बच्चों के सामने ऑप्शंस है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं मिली तो पिताजी अपने को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में करा देंगे, डोनेशन दे देंगे, फीस ज़्यादा भर सकते हैं, हमको कोई ऑप्शन ना, हमको तो खाली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट में अफोर्ड करना इतना तो हमारे लिए बड़ा। यहाँ एक सवाल और है कि पहले की पढ़ाई और अब की पढ़ाई में जब डॉक्टर बनकर आता है कोई व्यक्ति, उसके अंदर मेच्योरिटी, फिर इंटरनेट वाली मेच्योरिटी, बहुत फर्क है ना, तो इस फर्क को क्या लगता है कि समाज में गलत मैसेज दिया जाएगा? प्रैक्टिकल पढ़ाई अभी कर रहे हैं बच्चे, उसमें इमोशंस नहीं है, ओनली प्रोफेशनल है, उन्होंने गरीबी देखी नहीं है, उन्होंने ट्रीटमेंट के सिवाय लोग मरते देखे नहीं है, उन्होंने गांव में ट्रीटमेंट के लिए बैलगाड़ी में बैठा के फ्रैक्चर हुआ तो उसको 10 किलोमीटर लेके जाने का, फिर लेके आने का, फिर पैसे गांव की जमीन बेचो, कुछ गोल्ड बेचो, फिर ट्रीटमेंट कराओ, इतनी बुरी हालत में लोगों ने ट्रीटमेंट ली है, इतने किए, नहीं ट्रीटमेंट मिले तो कितने लोग बिना ट्रीटमेंट बिना पैसा नहीं तो जान देनी पड़ती थी, ये सारे दृश्य इन लोगों ने देखा नहीं है। इसलिए जो ह्यूमन टच है, इंसान की जिंदगी, इंसान का लाइफ का वैल्यू है, इनको नहीं है जी। इसलिए इनके बात करने में वो असर नहीं होता है पेशेंट से, जो हम बात करके उनको पहचान लेते हैं। जैसे ही पेशेंट आके बात करने लगे तो पेशेंट
कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो, रिक्शा चलाते हो कि क्या करते हो, सारी हिस्ट्री ले लेते। वो हिस्ट्री लेने के बाद में मालूम पड़ जाता कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, और उस हिसाब से फिर हम लोग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। एक इमोशनल सवाल मेरा आपसे, बहुत मन कर रहा है तो मैंने सोचा कर लूँ। आपके आपकी जर्नी 12-13 साल, 2005 में आपने ये हॉस्पिटल डाला था, तो आप देखा जाए तो 5-10-13 साल तो एक हॉस्पिटल बन के हो गए। लेकिन मीरा रोड में मैंने 96 में प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। आप, मैं मानूं कि कम 20 साल से के आसपास, मैं 20 साल की जर्नी में, 96 में प्रैक्टिस मैंने जब स्टार्ट की तभी मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी, सेकंड हैंड, और वो मोटरसाइकिल से मीरा रोड बंदर में जो भी छोटे छोटे नर्सिंग होम है वहां पे मैं विजिट करता था। तभी 30 रुपीज कंसल्टिंग फीस थी। अच्छा। और जहां पे भी बुलाया मुझे रात में कभी भी, तो बाइक लेके मैं जाता था, ऑपरेशन करता था, देखता था कहीं कोई हॉस्पिटल में मैंने 30 रुपीज एक पेशेंट देखने के, फिर 50 हुए, 100 हुए, उस हिसाब से बढ़ते गए। लेकिन कहीं पे भी मुझे ट्रीटमेंट मैंने रिफ्यूज नहीं किया कि पैसा नहीं मिल रहा है तो इसलिए ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं जाने का, ऐसा कभी रखा नहीं, खाली काम करते रहे। जी जी। सवाल यहाँ पर एक है इमोशंस का, 20 साल की यात्रा में कभी आपको ऐसा समय आया कि आपके सामने दो हालात थे, एक प्रोफेशन था और एक सोशल था, और आपने सोशल को पकड़ा, वो पूरा थोड़ा सा पूरा दौर बता दीजिए कैसा था, कभी एक ऐसा आया दौर? जिनके पास में दूसरा कोई एसेट नहीं है, अभी बहुत सारे बच्चे जो MBBS पास होता है, MS पास हो जाते हैं, उनके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी होती है, पैसा होता है, हॉस्पिटल बनाने के लिए फंड्स होते हैं, हॉस्पिटल बना लेते हैं और फिर उस बेस पे उनको प्रैक्टिस करना इजी पड़ता है। अब हम नियत थे, हमारे पास तो ना पैसा था ना कुछ था, खाली यूनिवर्सिटी की डिग्री लेके आए थे। अब एसेट कौन सा ससरे यूज करने का, समाज में ऊपर आने के लिए करने के लिए, तो उसलिए जो आपने पूछा दीक्षित जी कि सोशल क्यों बने, सोशल बनना एक जरूरत भी थी और एक ब्लड में भी था, ये दोनों चीजें थी। और सोशल आप ड्रामा नहीं कर सकते हो, सोशल बनने के लिए यू हैव टू हैव इमोशन, आप दिल से करना पड़ता है, तो वो सारी पूंजी मेरे पास थी। आपके पास ऐसा नहीं आया कि आज आपके पास एक कभी दौर ऐसा समय आ गया हो, टाइम आ गया हो कि आपके पास दो ऑप्शन थे, एक प्रोफेशन था और एक आपके पास समाज सेवा, यानी ऐसा कोई पेशेंट आया जब आपको लगा कि नहीं यहाँ आप मुझे उतरना ही पड़ेगा समाज सेवा के लिए, और फिर आपने सबसे लड़कर आप वहाँ उतरे और उसका इलाज किया, वो आज ठीक खड़ा हो, ऐसा कोई? काफ़ी इंसिडेंसेस हुए ऐसे मेरे प्रैक्टिस में, पेशेंट को देख के सोशल तौर पे, एक 27 जुलाई में बारिश हुई थी बॉम्बे में, 2005-06 में जब हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ था मेरा, तो यहाँ उत्तन गांव उधर एक जमीन छोटे घर होते हैं, तो वो वाल गिरी, दीवाल, तो दीवाल गिरी तो दो लेबर लोग थे, तो उसकी बेटी के पैर पे दीवाल गिर गई और पाँव फ्रैक्चर हो गया, बारिश जोर से थी, बेटी को उठाया था और आरत आया, एक हॉस्पिटल में गए, दूसरे में गए थे, पैसे कुछ नहीं थे, गरीब थे, ये 2-3 हॉस्पिटल में घूम के आए तो कोई ट्रीटमेंट हुआ नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जब मीरा रोड बाइंदर में इतने आज भी नहीं है, सुविधाएं नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हड्डी का ऑपरेशन हो सके, मेरे पास आए तो उनकी हालत देख के मैंने बच्ची को एडमिट कर लिया, एडमिट करके ट्रीटमेंट चालू किया। उस वक्त यहाँ पे एक पेपर चलता था राज बंजारा करके, रवि राज राठौड़ जी चलाते थे, मीडिया का मुझे जब से एक बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, एक विश्वास रहा है कि हम जो कर रहे हैं, हम लोग तो पॉलिटिशियन नहीं कि बाहर जाके सभा लेके चिल्ला के बोल सके, जो भी हमारी दर्द है और सच्ची कहानी है वो मीडिया ने आज तक लोगों तक पहुंचाई है, और आपने जब मुझे ऑफर दिया तो मैं मेरा समय निकाल के आपको बताना जरूर चाहा कि मीडिया ही एक ऐसा जरिया है जो सच्चे लोगों का काम पब्लिक तक पहुँचाए। तो इस बात सोसाइटी में फैली, पेपर में आए, एक बच्चे का ट्रीटमेंट उन्होंने निःशुल्क किया करके। अच्छा। तो उसके बाद से फिर ये सिलसिला चालू रहा। दूसरा इंसिडेंट हुआ जब बम ब्लास्ट हुआ इसमें, तभी 70-80 पेशेंट को उठा उठा के रिक्शा वाले ला रहे थे, कहीं दूसरे हॉस्पिटल में गया तो उनको डिपॉजिट दो, बाद में एडमिट करेंगे। अब जिस आदमी के पास में सब हो गया था, पर्स टूट गया, गड़ी चली गई, कान फूट गए, कहाँ देने थे, तो उनको बिना डिपॉजिट एडमिट किया। मैंने 70 पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट, 70, 70, तो 70 पेशेंट का पूरा मैंने 4-5 दिन तक इलाज किया, वो किया, किसी से पैसा नहीं लिया। बाद में मुझे रेलवे ने और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी चेक भिजवाया, तो दोनों की चेक नहीं ली मैंने, एक का वापस किया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वापस दे दिया, और 70 पेशेंट जो उस टाइम पे ट्रीटमेंट हुआ था, शायद कब की बात है, 2009 की बम ब्लास्ट की बात है, वो पेशेंट आज तक मेरे पास आ रहे हैं। तो जो सोशल किया है, जो मैंने वो पैरा है सोशल, यह है वो आज भी जीवित है, और वो सोशल एक्टिविटीज़ के ही
मेरी एक प्रेरणा रही है और वही एक मेरे एक पॉपुलर बनने की और मुझे सक्सेस करने के लिए मेरे लिए बहुत बड़ी क्या बोलते हैं उसको संजीवनी रही है। काफ़ी अच्छा रहा। अच्छा, इस पूरी यात्रा में आप चिकित्सक और समाज सेवा दोनों मिलाकर चल रहे हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन अब क्या सवाल ये है, इस समय का जो वातावरण है चिकित्सकों का, कब कई बार शब्द लूट खसोट शब्द इस्तेमाल होते हैं डॉक्टर्स के लिए, क्या आपको लगता है कि इस समय का दौर उन पेशेंट्स के लिए बड़ा परेशानी वाला है और उन अस्पतालों के लिए सवालिया निशान खड़ा करता है जो आप जैसे काम नहीं करते, उन पर आपका क्या क्या कहना है? देखो, अगर मेरे कोई डॉक्टर फ्रेंड्स या कलीग सुनते रहे हो इस बात को तो बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं जो कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, बाकी लोग समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो सही नहीं कर रहे हैं। ये आपने बताया लूट वर्ड ये वगैरह, ये फैक्ट है, ये झूठ नहीं है। क्योंकि समाज में ऐसे कोई पेशेंट है जिनको इस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसको ओवर ट्रीटमेंट, ओवर चार्जेस, डर का पैसा ये करने का। तो यहाँ अगर आप भगवान को साक्ष्य रख के, आपको प्रोफेशन के साक्ष्य रख के अगर ये काम करते हो कि मैं कर रहा हूँ गलत है, ये भावना तुम्हारे मन में है तो गलत नहीं होगा। लेकिन दीक्षित जी, आपने सवाल पूछा, ये सच्चाई है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको कमर्शियलाइज यूज कर रहे हैं, प्रोफेशन बना के रखा है, हॉस्पिटल नहीं खोल के रखा है, बिजनेस बना के सेंटर खोल के रखा। अभी मेरा हॉस्पिटल है बालाजी हॉस्पिटल, यहाँ पे मेरा ही हॉस्पिटल है, मैं ही ट्रीटमेंट करता हूँ, मैं ही उसका पेशेंट का रिजल्ट बताता हूँ, मैं ही पैसा लेता हूँ और मैं ही उनको कोटेशन देता हूँ। दूसरे हॉस्पिटल में जाने के बाद में मैनेजर कोटेशन बताएगा, अकाउंट में बिलिंग होगा, ऑपरेशन करने वाले बाहर से डॉक्टर आएंगे, ऐसा करके सारे मेस हो जाता है। तो इसकी वजह से ये प्रोफेशन थोड़ा सा भटक रहा है, मैं मान्य करता हूँ और समाज को और मेरे कलीगों को ये और मैं एक मैसेज देता हूँ कि ये व्हाइट कलर प्रोफेशन है, अच्छा प्रोफेशन है, इसको अगर सही तरीके से वाइट किया जाए तो लक्ष्मी धन ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये अपने पीछे आज तक जिंदगी में मेरे हॉस्पिटल में कोई मेरा 5 पैसा छोड़ के नहीं गया, मेरा सब देखे गए। आज तक मैं किसी से डिपॉजिट नहीं लिया, कोटेशन नहीं दिया, जो भी बिल देता हूँ बिल देखे जाते हैं और कभी बोलते नहीं कि ज्यादा पैसा दिया ना। तो आखिरी सवाल, आपको वृद्धाश्रम में देखा गया है, आप वृद्धाश्रम में चले जाते हो कंबल बांटने, लोगों को अनाज बांटने, आपको देखा गया स्कूलों में बच्चों के लिए, या फिर फ्री हेल्थ चेकअप के कैंप भी लगवा देते हो, ये सारा कुछ कितना किया है समाज के लिए, कौन कौन से ऐसे काम है जो इसके अलावा भी आप करते हैं? देखो, लोग बोलते हैं ना गुरु ऋण पितृ ऋण, वैसा एक समाज ऋण होता है। तो ये मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये तो सभी ने करना चाहिए, और जो आज मैं कर रहा हूँ ये माध्यम से ये समाज ऋण है। अभी वृद्धाश्रम एक चैरिटेबल ट्रस्ट है हमारी, जीवन फाउंडेशन सेवा करके, ह्यूमन राइट्स में काम करता हूँ, मातोश्री वृद्धाश्रम है वहाँ पर जाता हूँ, एक ब्लाइंड स्कूल में जाता हूँ, ओंकार ब्लाइंड स्कूल है, मीरा रोड में हाउस ऑफ चैरिटी करके एक उत्तन में है जहाँ पे पैरालिसिस बच्चे और जो जन्म से आधु जन्म होते हैं उनके लिए जाता हूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करने का मैं, क्योंकि मैं उनको नहीं तो पैसा तो डोनेशन नहीं कर सकता हूँ। यहाँ एक सवाल ये होता है कि यहाँ बैठ कर इतना करते हैं और जो 20 साल में लगातार करते रहे उसमें आपका जी नहीं भरा कि आप वृद्धाश्रम भी, ये ललक, ये इच्छा की राजनीति में जाने का मन भी क्या? नहीं, ये राजनीति का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, समाज सेवा करने की भूख मेरी कभी मिटने वाली नहीं है, ये बढ़ती जाएगी और अभी आगे भी बढ़ती रहेगी। और अभी तो थोड़ा फाइनेंशियली और सारी चीज से मैं सक्षम हो गया हूँ, कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट मैंने सोच के रखा है जहाँ पे मैं अच्छी तरह से उनके करूँ, जैसे कि कुछ वृद्धाश्रम में पूरा अडाप्टेशन करने का सोच रहा हूँ कि पूरा अडाप्ट करूँ, या मेरे हॉस्पिटल में कुछ ऐसा 4-5 बेड में रखूँ जहाँ पे वृद्धों को मैं बिना चार्ज किए उनको यहाँ पे रख के उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट और भी ये करूँ, कुछ ऑपरेशंस फ्री रखूँ, एक आधा हफ्ते में एक ओपीडी फ्री रखूँ जो जिनके पास में, लेकिन निस्वार्थ से और सच्ची में ऐसे दिल के लोग आने चाहिए कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है अन्य, हाँ तो वो आएगा तो उनके लिए मैं वो भी करना चाहता हूँ। एक संदेश, एक मैसेज आपकी तरफ से लोगों के लिए और खासकर डॉक्टर पेशे के लोगों के लिए भी, कि वो जाने माने कि हाँ चरण जी ने जो संदेश दिया था उसे मानना चाहिए और जीवन में अपनाना चाहिए, आपके तरफ से कोई बात? मैं आम पब्लिक के लिए बोल रहे हैं, आप आम पब्लिक के, मैं देखो आपने कहा है कि लोग हमेशा बोलते हैं कि डॉक्टर भगवान होता है, भगवान का दर्जा आप लोगों ने हमको दिया है, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन कहीं जगह डॉक्टर्स गलत होते हैं तो कहीं जगह पेशेंट भी गलत हो जाते हैं।
कभी व्यक्ति भी गलत हो जाती है। हमारे जीवन में दोस्तों दो ही ऑप्शन है, जीवन या मरण। पेशेंट को हम लोग बचा सकते हैं या पेशेंट मर सकता है। कोई डॉक्टर जानबूझ से गलत ट्रीटमेंट नहीं करते, कोई डॉक्टर कोई इंसान को जानबूझ से नहीं मारते हैं। जो कुछ चीज़ होने वाली होती है उतना ही कर सकते हैं, उनके भी एक लिमिटेशन रहते हैं। तो कभी खुदा न खासा डॉक्टर अगर 100 काम अच्छा कर रहा है और एक काम उनसे अगर कोई गलती से हो सकता है तो उन पर उंगलियाँ मत उठाइए, उनको एक्सेप्ट करिए और वो अपने जीवन देने वाले हैं, उनको भी आप सुरक्षा दीजिए और उनको अप्रिशिएट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लगभग सारी बातें हुई और सारी बातों में एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ग्रामीण स्तर से निकलने वाला एक व्यक्ति आज व्यक्तित्व बन गया और उसके अंदर आज भी उसके ब्लड में समाज सेवा है और समाज सेवा के क्षेत्र में काम करना चाहता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ। आज सचिन दीक्षित आपसे विदा लेता है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।